चैनल विद अनदर ब्लॉग। तो नए ब्लॉग के साथ आपका स्वागत करते हैं। अभी नाइट है, रात का समय है और देखिए इसका ड्रामा। रे 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 मम्मी, ये तो दूर से तो नहीं है। कितना जोर से? अब माचिस का डब्बा कैसे रखता है देखिएगा आप लोग। माचिस का डब्बा रख के जादू दिखाएगा, दिखाओ माचिस का डब्बा रख के। माचिस का डब्बा ये देखो। हाँ देख लिया। हेलो बोलो, हेलो बोलो, बोलो कैसे हैं आप लोग, बोलो। आपको हमेशा लगातार वीडियो में आप लोग देखते ही होंगे कि इसका पंखा का साथी खेलना कूदना होता है। पता नहीं इंजीनियर बनेगा कि मिस्त्री, क्या बनेगा इसका 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 दिमाग कितना तेज है, कितना तेज चल रहा है। इसको ये सब चीज कोई सिखाता नहीं है, खुद ही सीख लेता है, तो हम भी छोड़ देते हैं करने के लिए। तो चलिए हम अभी थोड़ा सा आपके साथ नया रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो अगर रेसिपी पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स कीजिएगा। हम डबल लाइट चालू कर ले रहे हैं क्योंकि रेसिपी है बहुत, ये रेसिपी हम कभी शेयर नहीं किए हैं। अगर पसंद आएगा तो आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखिएगा कैसा लगता है और टेस्ट भी कीजिएगा। और हम सोच रहे हैं कि कुछ दिन, दो चार दिन पहले मतलब हम कहीं गए थे तो उसका पूरा वीडियो नहीं बना पाए, थोड़ा सा वीडियो ही बना पाए थे। तो हम सोच रहे कि उसका भी वीडियो डाले क्योंकि बीच में ही मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था, इसी वजह से हम पूरा नहीं बना पाए। तो आज का जो रेसिपी है वो है मटर का छोले, मतलब छोला। और उसमें हम थोड़ा सा डालेंगे आलू भी क्योंकि थोड़ा आलू डालने पर इसका स्वाद अच्छा लगता है। तो मटर का छोला और देखते हैं क्या अभी बनता, अभी वैसे डिसाइड नहीं हुआ रोटी बनेगा या फिर कुछ और बनेगा, तो हम आपके साथ उस भी शेयर करेंगे। सो अभी हम मसाला अपना रेडी कर लिए, धनिया, सूखा मिर्च, चार पांच कली लहसुन और बल्कि ऐसे भी छोले में ज्यादा मसाला नहीं लगते हैं। तो हम बहुत कम ही मसाला डालकर बनाएंगे। तो देखिए अभी हम मसाला पीस कर रेडी है और मेरा आलू, मटर और टमाटर और प्याज निकाल लिए। कढ़ाई में हम तेल भी डाल दिए हैं और हम इसमें प्याज डालेंगे। तो अभी इसको हम बढ़िया से धो लेंगे। आप लोग में से कौन कौन, कितने लोगों को मतलब मटर का छोला पसंद है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे घर में तो सबको पसंद है, अधिकतर लोगों को पसंद ही होता है मटर का छोला। और देखिए एक बदमाशी आपको दिखाते हैं। क्या खा रहा तो? क्या खा रहा? कुछ नहीं खा रहा। तुम सुन रहा फिर? जो चपाती का डब्बा है वो खाली कर दी के उसको दे दिए हैं और वो उसका सेंट जो स्मेल है वो ही सुन रहा बैठ करके। तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है अपने आप को इंगेज करने के लिए। तो कोई बात नहीं, तब तक मेरा प्याज इधर हो रहा है और हम यहाँ पर आलू भी छिलकर रेडी है। तो अभी मेरा प्याज भी भूनकर रेडी था और इसमें हम जो मसाला पीस कर रखा था हल्दी के साथ डाल चुके हैं और अब हम ये टमाटर भी डाल देंगे। और इसी तरीका से हम मसाला, टमाटर और नमक डालकर भून लेंगे। भूनने के बाद धीमी धीमी आंच में भून लेंगे ताकि मसाला का जो टेस्ट है वो बढ़ कर आए, क्योंकि धीमी आंच में जो मसाला को कुछ बोलने ही नहीं देता है, जा रहा था वहाँ बम फोड़ते रहता है। तो धीमी आंच में मसाला भूनने से है कि डबल टेस्ट बढ़ के आता है मसाला का भी और खाना का भी। तो इसको बढ़िया से भूज लेते हैं, थोड़ा समय लगेगा लेकिन भुजा जाएगा बहुत बढ़िया से। तो मसाला मेरा भूज कर रेडी है
अब मटर डाल देंगे जो हम बॉईल करके रखे थे, तीन सीटी लगा कर रखे थे, अब इसको इस तरीके से मिला देंगे। और जो आलू रखे हुए थे वो भी डाल दिए हैं, अब इसको ढक देंगे ठीक से ढक्कन से, और ये बन जाएगा हमारा छोला। तब तक हम पूरी के लिए आटा सान लेते हैं। बहुत टेस्टी आज खाना बनने वाला है। तो आप लोग में से किन किन लोगों को छोला और पूरी या फिर छोला भटूरा पसंद है एक बार कमेंट करके बताइएगा, तो वैसा रेसिपी हम भी लेकर आएंगे बहुत जल्दी। अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और पूरी के साथ सोचे थे कि पूरी भी बना दे, लेकिन मेरा जो मोबाइल जिसमें हम वीडियो डाल रहे हैं जिससे वीडियो मेरा जाएगा, तो वो वीडियो का अभी ये खत्म हो चुका है, बैटरी बहुत ज्यादा खत्म हो गया है, हम बहुत कम से बना रहे हैं। और ये मेरा साथ साथ यहाँ पर लगा हुआ है, इसका काम ही है मेरा साथ साथ रहना। अब इसको भी पढ़ाने का समय हो गया है, तो हम एक घंटा भी इसको ट्यूशन भी देंगे, पढ़ाई करवाएंगे बैठकर, अपना काम कर लेते हैं उसके बाद, क्योंकि आने के बाद ही पूरी गर्मा गर्म बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।